फिरते हैं मौला, एक खसम लेके अपना दो फिरते हैं मौला, एक खसम लेके अपना आह चलती है मौला, एक अलम लेके अपना आह चलती है मौला, एक अलम लेके अपना दादों की टुकड़ी धोते मौत गम लेके अपना दादों and the deadly world outside just invoke us that better hide into music because sound is something which is in everybody. So if you not be an actor, we all be musician. So we are developing. So this first song is Banjare. And this is based on Harivansh Rai Bachchan's poem, Banjare. Banjare, chal banjare,
वर्कशॉप सीख सीख के मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, और इनका इनकी परफॉर्मेंस सुन के मेरे अंदर भी गाने की इच्छा जागी है। और जिस तरह मनोज सर की फिल्म देख के मैंने अपने घर पे कह दिया कि मारेंगे नहीं साले को, कह के ले लेंगे, बहुत ले थी मेरी फिल्म घर वालों ने। लेकिन अभी मैं आपको जैसे रांझना फिल्म में डायलॉग है, गर्लफ्रेंड ही नहीं फील ही दे जा, वैसे मैं जाती हो, दिल की धड़कने भी रुक जाती जब वो मुझे देख कर यूं मुस्कुराती ओ, उसकी बातें दिल को है लुभाती, ओ उसकी यादें नींद है चुराती, आगे बाहों में मेरे यूं सिमट तू जाती, फिर क्यों हकीकत में तू यू शर्माती Show me that wonders can be true, take me to your heart, take me to your soul. Every night in my dreams, I see you, I feel you, that is how I know you, go on, near, far, wherever you are, I believe that's my, क्या कभी जाता नहीं, go on. बहुत ही, और खास करके मुकेश के लिए क्योंकि उसकी बैकग्राउंड ही वो रही है जो कुछ उसने हासिल किया। आई थिंक इट्स थैंक्स टू दैट एक्सपीरियंस एंड द इनडेप्थ नॉलेज ऑफ एक्टिंग थैंक्स टू यू नो द ड्रामा बैकग्राउंड। तो बहुत ही बढ़िया, और देखिए साथ साथ आपको इतना सारा टैलेंट भी दिखाई दे रहा था। आई थिंक द बेस्ट वे फॉर हिम ऑल्सो टू मेक श्योर दैट ही कास्ट बेटर एंड बेटर टैलेंट, थिंक इज अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस। मैंने कभी थिएटर किया नहीं अनफॉर्चुनेटली, यू नो मौका मिला और एक्टिंग कर ली मैंने, बट आई थिंक थिएटर के बैकग्राउंड से जो आते हैं वो मेरा मानना है कि आउटस्टैंडिंग एक्टर्स होते हैं, जो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल हो या डिक्शन हो या वॉइस हो, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल। तो ऐसा होना और ज़्यादा होना, और ख़ास करके यू नो मुकेश छाबरा कास्टिंग कंपनी आप देखेंगे तो the kind of talent हर साल वो इंडस्ट्री को दे रहे, it's unbelievable। I think पिछले 4-5 साल में जो अगर आप एक्टिंग की परफॉर्मेंसेज की बात करें तो आई थिंक वी हैड सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज थैंक्स टू मुकेश एंड हिज कास्टिंग कंपनी। ज़्यादातर क्राउड थिएटर से बचना चाहता है और फिल्मों में आना चाहता है फेम के लिए, पैसे के लिए, सर क्राउड कितना भटक रहा है मतलब एक्टिंग? नहीं ऐसे कुछ नहीं, इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन। अगर आप थिएटर करोगे तो यू विल डेफिनेटली बिकम अ बेटर एक्टर, और सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो ऑडियंस की चॉइस बदल चुकी है। आज वो चाहते हैं कि अलग अलग जगहों से एक्टर आए और वो टैलेंट दिखाई दे। इट्स लाइक देखिए हमारा सबसे फेवरेट स्पोर्ट हमेशा क्रिकेट ही रहा है, थैंक्स टू IPL नेशनल टीम को भी अच्छे क्रिकेटर्स मिल रहे, तो इट्स थैंक्स टू स्टेज एंड थैंक्स टू ड्रामा की फिल्मों में को अच्छे एक्टर्स मिल रहे। नेचुरल वो तो नेचुरल है ही प्रोग्रेशन फ्रॉम थिएटर टू सिनेमा, सभी चाहते हैं कि वो बड़े और अच्छा करे, बट आई थिंक थिएटर विल ऑलवेज रिमेन थिएटर, यू कैन नॉट टेक अवे टैलेंट फ्रॉम थिएटर।
सर कोई भी एक प्ले जो आपको आपका बहुत पर्सनल फेवरेट रहा, बहुत आपने देखा हो पृथ्वी थिएटर में या फिर एनएसडी में? आई एम नॉट अ थिएटर पर्सन. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेज, लेकिन आई एम नॉट अ थिएटर पर्सन. तो मैं वैसे पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यू नो थिएटर इज समथिंग दैट इज वेरी, मैं खास करके मकरंद देशपांडे की प्ले बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि मेरा मानना है कि वो एक ओवररेटेड एक्टर. अरे मकरंद, तू तेरी बात कर रहा था, आज आप बैठ, तो मैं इन्हीं की बात कर रहा था. तो मैं पहले फिल्म से मुझे हमेशा कॉम्प्लेक्स देते आ रहे हैं कि मैं थिएटर का एक्टर हूँ. और मुझे याद है, आज भी याद है कि हम लोग पहली फिल्म हमारी शूट कर रहे थे अंत, वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स, और लाइव स्ट्रीट पे तलवार लेके मैं इनके पीछे भाग रहा था, और इनके एक्टिंग के वजह से शटर सब बंद हो गए, तो लोगों को लगा कि मर्डर, किसी का खून होने वाला है. आई थिंक दैट्स द इम्पैक्ट दैट थिएटर हैज एंड एक्टर्स लाइक मकरंद देशपांडे हैज. आज बचपन से मैं उनका बड़ा बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. और आई थिंक व्हाट ही मेंट वाज द फैंटास्टिक थिंग व्हाट आई फील इज कि रियल में जो घटता है वो नाटक है, तो फिल्मों की शूटिंग के दौरान जो घटता है वो भी नाटक है. And I think the way he was running after me with that sword, I think that created the nato. So अरे पता ही नहीं चलता था कि किया कि नहीं, क्योंकि हम कुछ भी बोल देते थे, तो मुझे मालूम है वो कुछ भी कर सकते हैं. Look at him. अरे कई बार हुआ, खालसा कॉलेज में उसने ऊपर से बेंच फेंका था, उसको बचाते बचाते, पर एक ही बात इसकी बहुत अच्छी थी, ये पहले मुझे बोलता था कि एक्सीडेंट क्या हो सकता है. मुझे साउंड एक्शन साउंड सुन के ही डर लगता था. आई थिंक मकरंद ने मुझे बहुत ज्यादा सेटल किया. तो मुकेश छाबरा का नसीब तो नहीं हुआ मुझे, लेकिन मकरंद देशपांडे का जरूर हुआ. मुकेश कहाँ है, बचा मुकेश बचा. खुद को बड़ा सिंगर बन गया, तो थैंक यू अन्ना. बहुत अच्छा लगा, और नाटक देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव होता है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एक अभिनेता होने के नाते मैं जब भी नाटक देखता हूँ तो एक अभिनेता के तौर पर देखता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कुछ लेकर जाऊँ. स्मिता तांबे, इसमें ओल्ड मॉन्क प्ले है जिसमें स्मिता तांबे हैं, जो कि मराठी की बहुत ही मशहूर अदाकारा हैं, और वो मेरे साथ एक फिल्म में काम कर रही हैं. उनकी इनविटेशन थी और मुकेश छाबरा की इनविटेशन थी, तो इसलिए मैं ये प्ले देखने आया था. बहुत ही रिलेशनशिप पे एक बहुत ही बढ़िया कमेंट है ये प्ले. सर जब आप प्ले करते थे तो कैसा माहौल रहता था, कैसी ऑडियंस आती थी, आपके रिएक्शंस क्या रहते थे, मतलब कैसा परफॉर्म कर पाते थे आप इतने प्रेशर में? प्रेशर में तो काम करना ही पड़ता है, जो स्टेज का एक्टर होता है वो बहुत सारे प्रेशर में काम करता है. वो इमोशनल प्रेशर होता है, फिजिकल प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, तो बहुत सारे दबाव में वो काम कर रहा होता है. सर ये पूरे प्ले के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि अभिनय में कुछ कमी आ रही है, या वहाँ एक पर्टिकुलर टाइम पर वो अच्छा हो सकता था? नहीं देखिए, वो क्योंकि अगर आप लगातार डेढ़ घंटे, एक घंटे डेढ़ घंटे प्ले करते हैं, तो कहीं कहीं तो चीज़ें नीचे जाती हैं ऊपर आती हैं, लेकिन आप दूसरा शो देखने जाएंगे तो वो सही हो चुका होगा, कहीं और से गलत जा रहा होगा. इस यही तो ब्यूटी है प्ले की, कि आप हमेशा हर शो में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ खराबियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, वो चलता रहता है, उसका हिस्सा है. सर इतना बड़ा जो हमारा मास है, इतने यंगस्ट टीनेजर्स हैं, वो बॉलीवुड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और थिएटर को वो नकारते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, इस तरह
अगर हम लगातार थिएटर करते रहें, लगातार थिएटर फेस्टिवल्स होते रहें, हम लगातार लोगों तक पहुंचते रहें, और तो आप देखेंगे कि पहले से रंगमंच में करने वाले भी बढ़े हैं और देखने वाले भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो आगे का समय और भी अच्छा ही है। और सर, हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि भविष्य में कभी आपका थिएटर होगा, आपके नाटक होंगे, आपसे डायरेक्ट कर पाएंगे, कुछ ऐसा होगा? मैं डायरेक्ट करूँ ना करूँ, मैं थिएटर में वापस आ रहा हूँ। जी तो मनोज सर, जाते जाते हम आपसे पूछना चाहेंगे कि खिड़कियाँ जो एक कदम और बढ़ाए थिएटर की तरफ, कितने खुश हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक तो मुकेश छाबड़ा के दोस्त होने के नाते और मैं एक रंगकर्मी होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि खिड़कियाँ जैसी फेस्टिवल हो रही है। और मुंबई शहर में एक अच्छी बात ये हो रही है कि मुंबई शहर में बहुत ही मीनिंगफुल थिएटर हो रहे हैं अब, काफ़ी पहले कम होते थे। कमर्शियल थिएटर भी है, मीनिंगफुल थिएटर भी, एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी काफ़ी हो रहे हैं, और अब हॉल्स की कम पड़ रहे हैं इन शोज़ के लिए। तो अब जैसे साठे कॉलेज में भी अब जाकर के मुकेश छाबड़ा को ये हॉल अवेलेबल हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तो ऑडिटोरियम कम पड़ जाएँ लेकिन करने वाले ज़्यादा हो जाएँ। बहुत ज़्यादा हैं, तुगलक है जो कि मैं हमेशा देखना पसंद करूँगा, अंधा कानून है, ऐसे बहुत सारे प्लेज हैं आधे अधूरे, मोहन राकेश जी का, विजय तेंदुलकर जी के लिखे हुए सारे प्लेज मैं कभी भी किसी समय भी देखना पसंद करूँगा। सर, क्योंकि आप इतने बेहतरीन एक्टर हैं, तो कभी आप भविष्य में कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहेंगे जो आप खुद परफॉर्म करें? मैंने थिएटर के समय जब थिएटर पूरी तरीके से करता था मैं, तो तीन प्लेज लिखे थे, उस पर हमने काम भी किया था, वो एक समय था। मैं लिखता इसलिए नहीं हूँ कि मैं बहुत ही लोनली जॉब है और मुझे लोनली होना पसंद नहीं है। थैंक यू। Thank you.